नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। बड़ा इशू है थाईलैंड का दोस्तों। जी हां, पड़ोसी देश थाईलैंड, पड़ोसी भी है, अच्छा दोस्त भी अपना थाईलैंड की बात करें। थाईलैंड में क्या हो रहा है? थाईलैंड रिफॉर्मिस्ट मूव फॉरवर्ड पार्टी डिसॉल्व बाय कोर्ट ऑर्डर, रीग्रुप एज पीपुल्स पार्टी। अगर मैं आपको थाईलैंड का एक ब्रीफ कर दूं, पहले 5 मिनट थाईलैंड मुझे ब्रीफ करने दीजिए। बड़ा मजेदार देश है थाईलैंड, अच्छा दोस्त भी है भारत का और नाराज भी हमसे काफी, ये बात भी अलग है। थाईलैंड दोस्तों, ठीक है, थाईलैंड का पॉलिटिकल समझी का मिजाज किस प्रकार का है? थाईलैंड में पहले ब्रिटेन कब्जा था दोस्तों, ब्रिटिश फ्रेंच कॉलोनी थी, एक प्रकार से ब्रिटिश कब्जा था। आजादी के बाद, यहाँ पर जो आजादी मिली उसके बाद 1920s के बाद हम लोग आजाद हो गया देश। मोनार्की रही, राजतंत्र रहा दोस्तों, और पार्लियामेंट्री मोनार्की यानी लोकतांत्रिक राजतंत्र या संसदीय राजतंत्र जैसे ब्रिटेन में चलता है, वैसी व्यवस्था यहाँ पर आई। राजा होते हैं, राजकुमार होते हैं, रानियाँ होती हैं, राजकुमारियाँ होती हैं, साथ में संसद भी होती है, पीएम भी होते हैं, ठीक है। राजतंत्र और संसद दोनों साथ चल रही हैं लंबे समय से, लेकिन राजा के अधिकार ब्रिटेन की तरह नहीं है, बहुत कमज़ोर नहीं है राजा, यहाँ का स्ट्रांग है राजा। उसकी खुद की रॉयल आर्मी होती है दोस्तों, रॉयल आर्मी होती है, उसके पास खुद की शाही सेना होती है। तो जो आर्मी होती है आज भी राजतंत्र के प्रति ईमानदार है काफ़ी, राजस्व कमांड करता है यहाँ पर, राजा उनका चीफ है एक प्रकार से, रियल चीफ है। संसद का काम है लॉ बनाना, देश को संभालना, लॉ ऑर्डर को देखना, संसद का काम होता है, ठीक है। राजतंत्र है तो यहाँ सामंत भी होंगे, फ्यूडल सोसाइटी होगी, यहाँ सामंत हैं, चाटुकार लोग हैं, यहाँ पर जो राजा की तारीफ करते रहते हैं, दरबार में बैठते हैं, कुल मिला के उनके क्लोज एड हैं जो सहयोग करते हैं, मलाई खाते हैं इस देश की बढ़िया से। या वो सेना के कमांडर हो सकते हैं या पूर्व कमांडर हैं सेना के, वरिष्ठ पदों में सेना के, वो मलाई खा रहे हैं इस देश का, हलवा खा रहे हैं दोस्तों, ये एक प्रकार से सिंबॉलिक वर्ड है। वहीं दूसरी ओर थाईलैंड की आबादी गरीब है, कुछ हद तक गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, बेरोजगारी है, और ट्रेडिशनल जो समस्या हर देश के संग होती है वो यहाँ भी है। आबादी का बड़ा गरीब होगा, विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, टूरिज्म बड़ी इकोनॉमी का पार्ट है यहाँ पर, ऐसे में देश की समस्याएं वही हैं जो विकासशील देशों की होती है। चलिए, थाईलैंड के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है दोस्तों। क्या क्राइसिस समझने का प्रयास करें हम लोग यहाँ पर? पॉलिटिकल क्राइसिस ये है थाईलैंड में कि 2001 तक, ऑलमोस्ट 2001 तक इस देश में रूलिंग जो पार्टीज थी, चाहे पार्लियामेंट हो या राजतंत्र हो, दोनों को एक ही पार्टी, राजतंत्र जो था उसके समर्थित, उसकी प्रो मोनार्की पार्टी ही, प्रो रॉयल पार्टी ही रूल कर रही थी। यानी थाईलैंड पीपल्स पार्टी की बात में करूँ, थाई फ्रंट की बात में करूँ, जितनी पार्टी थी राजा के चाटुकार थी, सामंत द्वारा बनाई गई थी, सेना के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई थी, वो रूल कर रही थी आराम से। राजा और सामंत मिलकर देश को चला रहे थे, राजतंत्र, और संसद में भी इन्हीं की पार्टी बैठा करती थी, कोई समस्या नहीं चल रही थी देश में, आराम से मूव हो रहा था देश, जैसे 2005 के बारे नेपाल में हुआ करता था। राजतंत्र हावी था काफी हद तक, संसद नाम मात्र को थी, राजा की पार्टियां यहाँ पर होती थी, लेफ्टिस्ट लड़ रहे थे अलग से। तो जैसे 2005 तक का नेपाल था, काफी हद तक यहाँ व्यवस्था भी इसी प्रकार की बनी हुई थी 2001 तक दोस्तों। कहां पर थाईलैंड की बात कर रहा हूँ, नेपाल की बात ना करें, कंफ्यूज होंगे। 2001 तक ऐसी व्यवस्था थी। 2001 में एक व्यक्ति आता है, थांगसिन सिनवात्रा, बहुत ही फेमस करेक्टर दोस्तों, थांगसिन सिनवात्रा बहुत ही फेमस करेक्टर है इस पूरे देश की राजनीति का, सिनवात्रा। ये यहाँ का टेलीकॉम जॉइंट था, जैसे हमारे टेलीकॉम कंपनी का कोई हेड हो। बहुत गरीब परिवार से निकला था, संपत्ति इकट्ठी की थी, देश कमाया था इसने देश के अंदर, और एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था, टेलीकॉम कंपनी का मालिक बन गया था, ये थाई टेलीकॉम का मालिक बन गया ये। कुल मिला के लोगों जुड़ गया, लोगों के फ़ोन तक एक्सेस कर दिया, मोबाइल दे चालू किया लोगों को देना, टेलीकॉम का नेटवर्क पूरा इसका देश में कमज़ोर था। तो थाकसिन सिनवात्रा गरीब परिवार से आया था, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत से ऊपर तक पहुंचा और अपनी कंपनी स्थापित की, ठीक है। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है, टैक्स दे रहे हो, सरकार को मुश्किल नहीं है, जियो आराम से। लेकिन अब चूंकि गरीबी से आया था, गरीबों की सुनना भी ज़रूरी था, इसने यह किया चलो चुनाव लड़ते हैं, देश व्यवस्था ख़राब है यार, बहुत करप्ट लोग बैठे हैं यहाँ पर सब लोग, ये चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने का प्लान किया इस व्यक्ति ने। अब क्या हुआ दोस्तों, चुनाव लड़ने का प्लान किया, 2001 की बात कर रहा हूँ, चुनाव में जीता ये, इसकी पार्टी को सत्ता मिल गई, एक प्रकार से कहा जाए सत्ता में आ गए व्यक्ति है, ठीक है। 4-5 साल रूल भी करता रहा, लेकिन ऑफकोर्स इनसे बन नहीं रही थी इसकी लगातार, बन तो नहीं रही थी यहाँ पर, क्योंकि ये लोग परेशान थे, गरीब आदमी आ गया यार, ये कहाँ टेलीफोन लाइन बेचने वाला आ गया हमारे बीच में, बैठ के एलिट क्लास में बैठ गया ये, इसकी पॉलिसी भी प्रो पुअर थी कहीं ना कहीं, रिफॉर्म करने की बात करता था, मोनार्की खर्चे कम करने की बात करता था, संबंध अच्छे बना रहा था बाकी देशों से, लगा नहीं ये काम का व्यक्ति, हटाओ इसको यहाँ से। तो थाकसिन के खिलाफ आंदोलन किया गया, कुछ करप्शन के मामले थे इसके ऊपर दोस्तों, कुछ करप्शन के मामले फंसा ये,
इसने अपनी टेलीकॉम कंपनी को, जब ये पीएम बन गया, अपनी टेलीकॉम कंपनी को बेच मारा, एक सिंगापुर की फर्म को बेच मारा, एक सिंगापुरी कंपनी, अपनी टेलीकॉम कंपनी सिंगापुरी कंपनी को बेच दी, देश की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी को बेच दिया इसने सिंगापुर के हाथों में, और टैक्स की चोरी करी अपने कानूनों का फायदा उठाकर। तो कई कानून बनाए और टैक्स चोरी का फायदा किया, तो इंपॉर्टेंट बात है, करप्ट तो था ये, या करप्शन का आरोप लगा इसके ऊपर। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हुए, प्रोटेस्ट आए इसके खिलाफ, और इसके खिलाफ मूवमेंट चालू हुआ येलो शर्ट मूवमेंट। 2007-08 तक आते आते मूवमेंट चालू होता है येलो शर्ट मूवमेंट। येलो शर्ट कौन थे? इनके समर्थक थे, किंग के समर्थक थे, संसद या जो प्रो रॉयल पार्टी हैं, सेना के लोग हैं, उनके समर्थक थे। हटाओ उस करप्ट व्यक्ति को, हटाओ उस व्यक्ति को, ये कुछ नहीं कर पा रहा देश में। इसको हटा दिया जाता है, फिर कुछ साल सेना के हाथ में कंट्रोल आता है वापस। फिर 2011 में आते आते इसको देश से निकाल दिया, देश के बाहर चला गया, देश के बाहर गया हो तब तक लौट जाता है इसका, देश के बाहर रहता है तो हटा दिया जाता है, इस पर करप्शन केस चल जाते हैं, ये देश के बाहर ही रहता है। सोचिएगा, एक प्रधानमंत्री दूसरे देश की यात्रा पे गया है बढ़िया से, पतला उसके देश में तक पलट कर दिया उसका पीछे से, और कहा तुम आओगे तो जेल में डाल देंगे तुमको, तो बेचारा भारी रह गया वो। 2011 में जो नए पीएम बने थे, सेना समर्थित पीएम बने थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू, जनता और जनता ही है, प्रोटेस्ट वो भी करेगी यहाँ पर, उनके खिलाफ चालू था रेड शर्ट मूवमेंट। दोस्तों यहाँ पर लाल शर्ट पहन के आते थे विद्रोही और विद्रोह करते थे नए पीएम के खिलाफ, तो यहाँ पर एक फाइट होती थी हमेशा येलो शर्ट वर्सेज रेड शर्ट। यूपीएससी ने पूछा था उस साल, येलो शर्ट वर्सेज रेड शर्ट। येलो शर्ट रॉयल समर्थक थे, राजा समर्थित थे, और रेड शर्ट थाक्सिन या जो गरीब व्यक्तियों का मसीहा था उनके लिए थाक्सिन समर्थित थे। अब थाक्सिन देश के बाहर बैठे हुए थे इस समय तक, ठीक है। 2011-12 में चुनाव होता है, फिर देश में चुनाव होता है, और इस बार थाक्सिन तो बाहर होते हैं देश के, लेकिन इनकी बहन यंगलिक सिंहवात्रा, इंपॉर्टेंट नाम सबके याद करें, इनकी सिस्टर थी यंगलिक सिंहवात्रा, वो पीएम बनती हैं। फिर सरकार से विद्रोह चालू होता है, कुल मिलाकर सेना अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं होती। इस बीच अच्छा काम यंगलिक ने किया कि इनके भाई पे जो करप्शन केस चल रहे थे उन्हें खत्म करवा दिया गया, उनको एक आम माफी दिलवा दी गई, देश में वो लौट सकते थे वो। तो 2015-20 तक आते आते चलता रहा हाल फिलहाल इनके देश में, ये सेना सर्वोच्च बनी रही, राजा सर्वोच्च बना रहा, सिंहवात्रा फैमिली धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन जनता गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। 2020 के कोरोना ने क्या किया, जो टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म कर दी इनके यहाँ पर, इकोनॉमी श्रिंक हो गई कहीं ना कहीं इनकी यहाँ पर, अपने आप में सीधे जुड़ाव चीन से बहुत जुड़ाव था इकोनॉमी का इनका, चीन को नुकसान हुआ तो उनको नुकसान हो गया कहीं ना कहीं, यानी कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी श्रिंक हुई, तो आंदोलन फिर होंगे यहाँ पर। सरकार में सेना बैठी है ऊपर, राजा बैठे हैं ऊपर, राजा की पार्टियाँ बैठी हैं, नाराजगी होगी जनता में, तो जो हमने श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा या बाकी राष्ट्रों में देखा, वो प्रोटेस्ट यहाँ भी हुआ था। 2000 प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इलेक्शन फॉर्म में निकल के आया। इलेक्शन फॉर्म में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक नई पार्टी बनती है कुछ साल पहले, और उसको मिलती है मेजोरिटी तो नहीं मिली, लेकिन ऑफकोर्स एक बड़ी पार्टी आती है, मूव फॉरवर्ड पार्टी, रिफॉर्मिस्ट पार्टी कहा गया इसको थाईलैंड में। मूव फॉरवर्ड पार्टी बनती है 18 में, 19 में चुनाव होते हैं, 20 में चुनाव होते हैं, 21 में चुनाव होते हैं लगभग कोरोना के बाद। इनको मेजोरिटी तो नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी बड़ी पार्टी बन के आती है, 148 के आसपास इनके मेंबर आ जाते हैं, लार्जेस्ट पार्टी बनती है संसद की। सत्ता इनके हाथ में नहीं आई, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी बन गई। इसके जो चीफ थे, इसके जो हेड थे, मैं दिखा दूंगा आपको, यहाँ पर उनका नाम आएगा आपको, ये आप देख रहे हैं, पीटर लम्ज़नॉट, ये इनके चीफ हैं दोस्तों, फॉर्मर चीफ हैं इनके, तो कहा जाएगा ये आप व्यक्ति देख रहे हैं, यंग पर्सन है, रिफॉर्मिस्ट चाहता है, रिफॉर्म किया जाए देश में, सेना के हाथ पावर कम की जाए, डेमोक्रेसी को लाया जाए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, इस व्यक्ति ने मांगी की दोस्तों, ठीक है। मूव फॉरवर्ड पार्टी की बनी यहाँ पर, 23 में जब चुनाव हुए, अंतिम चुनाव हुए थे, उसमें काफ़ी सीटें मिली थी इनको, लेकिन पीएम नहीं बन पाए ये, क्योंकि मिलिट्री ने इनका पीएम बनने से इनको रोक दिया था, मिलिट्री ने अपने व्यक्ति को एक पीएम बनवा दिया। अब समझिएगा, रिफॉर्मिस्ट पार्टी है ये, मूव फॉरवर्ड पार्टी लिख रहा हूं मैं यहां पर, मूव फॉरवर्ड पार्टी, ठीक है, ये सत्ता से बाहर है, लार्जेस्ट पार्टी सत्ता से बाहर है, सेना ने इनका वीटो कर दिया इनके शासन पर, नहीं बन पाए पीएम कभी ये, कोई बात नहीं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मूव फॉरवर्ड पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में एक बात कही, और बाद में जब सत्ता इनके हाथ में नहीं आई तो उन्होंने एक बात और कही, यहाँ पर मोनार्क जो हैं, यहाँ पर जो राजा होते हैं, उनकी आप बुराई नहीं कर सकते, आप राजा की आलोचना नहीं कर सकते, राजा भगवान है, और उसकी आलोचना ब्लास्फेमी एक प्रकार से ईश निंदा कही जाएगी, और आप ईश निंदा करते हैं तो आपको बिना केस के, बिना सुनवाई के जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे कई देशों में ईश निंदा कानून होता है, ब्लास्फेमी लॉ होता है, कि आप जैसे पाकिस्तान में आप मान लीजिए हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, और एक मुस्लिम व्यक्ति ने आप पे जाकर केस लिखवा दिया आपके खिलाफ कि मैंने
कुरान की पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ गलत बोला है, कोई एविडेंस नहीं चाहिए पुलिस को, कुछ नहीं चाहिए पुलिस को, अगर आरोप आ गया, एफआईआर हो गई, तो पुलिस डाल के जेल में डाल देगी मुझे बिना दलील, बिना वकील, बिना सुनवाई के। यह है कानून पाकिस्तान का, ईशनिंदा कानून, और प्रूव हो गया किया था तो आपको फांसी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब सोचिएगा यहां काम राजा के साथ है, मोनार्क की आप बुराई नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इनके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो एमएफ पार्टी ने कहा जनाब ये तो गलत कानून है यार, बोलने का अधिकार होना चाहिए लोगों को। यहां पर मोनार्क ने एक ऐसे लॉ की बात कही जो एंटी मोनार्क था, या इस एमएफ पार्टी ने कहा कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें कानून को, इसकी निंदा करने वालों को जेल में डाला जाए। सोचिएगा आप ऐसा कानून लाना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं इस लॉ के अंदर, किस लॉ के अंदर, लॉ का नाम देख लीजिए एक बार चाहे तो आप दोस्तों, ठीक है, एक कानून था दोस्तों यहां पर दैट क्रिमिनलाइज द इंसल्टिंग द रॉयल फैमिली। यदि आप रॉयल फैमिली की इंसल्ट करते हैं तो अपराध है अपने आप में। इस कानून में संशोधन की बात कही किसकी पार्टी ने, मूव फॉरवर्ड पार्टी ने संशोधन की बात कही। अब मामला हो गया संवैधानिक, एक पार्टी राजा के अधिकार की, राजा की आलोचना करने की बात कर रही है, मामला गया संवैधानिक कोर्ट के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मामला चला कुछ साल 2023 में मामला चालू हुआ, फैसला आया इस वीक उस पर कि ये पार्टी अवैध है, मूव फॉरवर्ड पार्टी की खत्म की जाती है, ये जो लीडर है इसके, इनको 10 साल तक पॉलिटिक्स से बाहर किया जाता है। हालांकि इन्होंने चूंकि राजा की निंदा नहीं की, इन्होंने केवल ये कहा कि कानून को चेंज किया जाए, तो पार्टी बैन कर दी गई, मूव फॉरवर्ड पार्टी को बैन कर दिया गया, इसके जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे उनको 10 साल की राजनीति से बाहर कर दिया गया, संवैधानिक कोर्ट का आदेश आया। सोच सकते हैं मतलब क्या होगा, सारे जज एक साथ थे, सारे जजों ने मिलकर कहा कि मूव फॉरवर्ड पार्टी ने वॉयलेट किया संविधान को इस कानून को प्रस्तावित करके, वॉयलेट किया संविधान को, आपको आपकी पार्टी असंवैधानिक है, बंद की जाएगी, आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं होगा। 5 लोग जो सत्ता में थे, आप जो टॉप मेंबर थे, उनको चुनाव लड़ने से 10 साल के लिए बैन कर दिया। ठीक बात है, ये तो हुआ कल का, एक हफ्ते पहले का फैसला। अब जैसे ही फैसला आया, 148 मेंबर हैं पार्टी के, 500 में से लगभग लार्जेस्ट पार्टी है यहाँ की, ये 5 लोग गए, चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तो 140 तो बचे अभी भी, अब इनका भविष्य क्या, इनकी पार्टी छिन गई, निर्दलीय हो गए सारे ये। तो थाईलैंड का संविधान कहता है कि अगर आपने अपनी दोबारा कोई पार्टी नहीं बनाई या नहीं ज्वाइन की कोई और पार्टी, तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। कोई समय सीमा होती है 6 महीने या 90 दिन की समय सीमा होती है यहाँ पर, 90 दिन की समय सीमा होती है, 6 दिन की समय सीमा कुछ होती है यहाँ पर, ठीक है, ओके 60 दिन, 60 दिन के अंदर कोई पार्टी आप ज्वाइन नहीं करते हैं अगर, और आपको 60 दिन में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो कानून कहता है कि अगर 60 दिन तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं अगर वो कोई, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है, जिन्हें प्रतिबंध नहीं किया गया। तो ऐसे 143 के पास ऑप्शन नहीं था कुछ, तो उन्होंने क्या किया, अपनी नई पार्टी बना ली कल वहाँ पर, मूव फॉरवर्ड पार्टी खत्म हो गई और एक नई पार्टी बना ली, उन्होंने रिफॉर्म बंद नहीं होंगे, रिफॉर्म चलते रहेंगे, ये प्रयास वो करते रहेंगे यहाँ पर, तो नई पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बदलाव हो गया दोस्तों यहाँ पर अल्टीमेटली, और मूव फॉरवर्ड पार्टी डिसॉल्व हुई कोर्ट आदेश से, अब नया ग्रुप बन गया उनका पीपल्स पार्टी के नाम से। तो सारे सांसद बैठे आपको दिख रहे हैं, ये लोग चिंतित, इनका भविष्य क्या होगा, इनके नेता जेल चले गए हैं, लेकिन उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा, जनता का आंदोलन है ये, और 143 मेंबर ने बना ली नई पार्टी पीपल्स पार्टी। दोस्तों बड़ा अपडेट है थाईलैंड पर, ये थाईलैंड में कोई नई बात नहीं हमारे लिए, तो यार मतलब 20 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, थाक्सिन सेनावात्रा के समय से बात मैं करूँ, तब से मैं देख रहा हूँ इनको यहाँ पर, ये यहाँ पर सेना कंट्रोल रखना चाहती है, चुनाव जीत के रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट आती हैं, उनको सेना परेशान करती है, राजा सेना मिलकर परेशान करते हैं उनको यहाँ पर, ये थाईलैंड का नियम नंबर 1 बन चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर, लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।